इब्राहिम गार्ग। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति यानी सेना का मुख्य अधिकारी इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गार्दी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी यानी सैनिकों का पड़ाव के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा यानी नफरत थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत यानी हरकारा भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिति यानी मौजूदगी से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध यानी आग्रह किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में यानी हर तरह इसी पल जाना होगा।